हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करें एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट। हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स, ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो सर्कल बनाए हैं और दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर यहाँ और इसका भी 2 सेंटीमीटर। अब ऐसी दो फिगर जिनकी शेप बिल्कुल सेम हो, देखो क्या बोला, शेप बिल्कुल सेम हो और साइज भी, एंड साइज भी बिल्कुल सेम हो। ऐसी फिगर जिनकी शेप बिल्कुल सेम हो, जिनका साइज बिल्कुल सेम हो, वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। ठीक है, अब ऐसी दो फिगर्स, देखो सर्कल बनाई यहां पर भी, यहां रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, यहां कितना ले लिया 5 सेंटीमीटर। इनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज चेंज हो सकता है, हम कहते हैं इसे, क्योंकि देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती हैं उनको हम सिमिलर भी बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होती हैं उनको सिमिलर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर होती हैं उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ठीक है, जो सिमिलर फिगर होती हैं उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, कॉन्ग्रुएंट फिगर को आप सिमिलर भी बोल सकते हो। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। देखो, फील करो क्या आएगा। आपको दो ऑप्शन दे दी मैंने कि ऑल सर्कल्स आर डैश, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर डैश, क्या होते हैं सभी सर्कल? अब देखो, मेरे पास ये भी सर्कल हैं दो, ये भी सर्कल हैं। अब सबकी बात करें तो सब में एक क्वालिटी तो है, ऑल सर्कल्स आर डैश, क्या सभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? ये 2 रेडियस, ये 5 रेडियस, ये 2 रेडियस, तो सभी कॉन्ग्रुएंट मीन्स तो बिल्कुल शेप भी सेम, साइज भी सेम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी सर्कल सिमिलर तो हो सकते हैं। सिमिलर मतलब उनकी शेप तो सेम है, तो यहां आएगा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, ऐसे ही ऑल स्क्वेयर्स आर, अगर सर्कल की जगह हम स्क्वेयर लगाते हैं तो ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो हम सिर्फ तब बोलेंगे जब शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। ठीक है, तो बेटा हमारे पास अगला पार्ट है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं? पहले आइसोसेलेस की बात करते हैं हम। तो देखिए, आइसोसेलेस का मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है कि ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं। ध्यान से देखो, ये साइड अगर 2 है तो ये भी 2 है, आइसोसेलेस है, यस। ये साइड अगर 4 है, ये भी 4 है, आइसोसेलेस है, यस। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल आपको सेम शेप नजर आ रही है इनकी? नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस हैं, लेकिन इनकी शेप सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं है ये। तो ये क्या हो गया, सिमिलर नहीं है ये, कौन सी? आइसोसेलेस सिमिलर नहीं है, काटो। वो कहते हैं ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस सिमिलर नहीं है, एक छोटी सी एग्जांपल लेके हमने बताया आपको। इक्विलेटरल की अब बात करते हैं। देखो, मैंने यहां 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है, 2 2 2, साइड तीनों इक्वल होती है ना इक्विलेटरल की। एक और बनाई 5 5 5, बड़े ध्यान से देखो, आपको नजर आ रहा है, अभी हम सिर्फ देख के जज कर रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, इन दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, इन दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं वो सिमिलर होती हैं। देखिए, हमने पढ़ रखा है इफ ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंगल्स आर इक्वल, आगे अभी आएगा भी, देखो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं कि इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, क्या इन दोनों के एंगल इक्वल है? क्या इन दोनों के एंगल इक्वल हैं? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल क्या होता है, 60 60 60 60 60 60। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
क्या साइड्स आर प्रोपोर्शनल, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ एंगल्स आर इक्वल, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल मींस इसके साथ देखो 60 60 60 60 60 60 एंगल्स आर इक्वल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उसका क्या मतलब सुनो कि अगर ये दो ये पांच है तो यहां लिखो 2/5 क्या बराबर आ रहा है इसके, देखो ये भी तो आ गया 2/5 बराबर आ रहा है इसके, देखो ये भी तो आ गया 2/5 तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल जब तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड्स जब हम उनकी लेंथ को ओवर करेंगे तो इक्वल आएगा 2/5 2/5 2/5 2/5 तो एंगल्स आर इक्वल साइड्स आर प्रोपोर्शनल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है कर दिया ना 2/5 2/5 2/5 ओके। तो इस तरह से एंगल्स आर इक्वल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, शेप भी सेम है हमें पता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सही आंसर है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। अब हमारे पास अभी अभी मैंने आपको समझाया टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ही ले लो, चाहे दो पॉलीगन जिनकी साइड सेम होती है आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर, अभी अभी पढ़ा हमने इक्वल इक्वल आएगा, ठीक है। कोई भी दो आप ले लो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, ठीक है कोई भी दो ट्रायंगल्स ले लो, उसके जो कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए, ओके। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये 60 है कुछ भी ले लो 70 ले लो, ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, और उसके बाद ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, हाँ ठीक है। एंड देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर व्हाट, अभी अभी समझाया था प्रोपोर्शनल, तो यहाँ क्या आएगा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या होता है अभी अभी आपको बताया था, तो साइड्स उसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल उसके कोरिस्पोंडिंग इक्वल होने चाहिए। अगर कोई ऐसी दो पॉलीनोमियल हैं जिनकी साइड सेम है और उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं और साइड प्रोपोर्शनल हैं तो वो दोनों क्या होती हैं सिमिलर होती हैं, दोनों पॉलीगन सिमिलर होती हैं, ओके। तो ये हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर की एग्जांपल देनी है आपने, सिमिलर फिगर की एग्जांपल देनी है, दो एग्जांपल देनी है। आंसर बहुत आसान है, देखो फर्स्ट आंसर है एनी टू सर्कल्स सिमिलर फिगर, हमें पता अभी अभी पढ़ाया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में कि दो सर्कल जो होते हैं हमेशा सिमिलर होते हैं, और उसके बाद एक और एग्जांपल दे दो कोई भी, तो हम स्क्वायर की ही दे देते हैं, ठीक है एनी टू स्क्वायर्स वो हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सिमिलर फिगर की एग्जांपल देनी थी, अभी नॉन सिमिलर फिगर की एग्जांपल देनी है हमें, नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल देंगे हम, ये सेकंड पार्ट है इसका, तो ठीक है सोचे फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट कोई भी एग्जांपल सोचो। देखो एक ले लेते हैं स्केलेन ट्रायंगल के साथ, नॉन सिमिलर चाहिए, स्केलेन जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं होती, तीनों साइड बराबर नहीं होती, साथ में कौन सी ले लो, दो ऐसी लेनी है जो सिमिलर नहीं है, कौन सी लूं स्केलिन के साथ, इक्विलेटरल ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले ली, ये हमारे पास एग्जांपल है नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है नॉन सिमिलर फिगर की हमने एग्जांपल ली फर्स्ट, कि एक स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड बराबर है, दोनों सिमिलर नहीं होंगी, है ना बना के देखना है। लो थोड़ा सा बता दूं, ये मान लो 2 3 4 स्केलिन ट्रायंगल और एक और ट्रायंगल ले लो 5 5 5 दोनों सिमिलर नहीं है, बात खत्म। एक एग्जांपल ये ले ली हमने नॉन सिमिलर फिगर की, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं नॉन सिमिलर, सेकंड एग्जांपल क्या लेनी है
अब ले लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक राइट ट्रायंगल ले लो। राइट ट्रायंगल, अब इसको समझते हैं कि इन दोनों नॉन सिमिलर कैसे हैं। देखो इक्विलेटर ले लो 555, ये आपको समझाने के लिए यहां बना रहा हूं, और राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी ले लो, है ना, 3 4 5, ठीक है, दोनों सिमिलर नहीं है, नजर आ गया, इनकी शेप सेम नहीं है, बात खत्म है, एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, क्लियर है, हो गया। तो ये हमने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 6.1 का। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। फिगर बनाता हूं। तो बेटा देखिए हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमारे पास एक फिगर ये है और दूसरी फिगर ये है, ध्यान से देखो, यहां पर साइड्स PS ओवर AD बराबर ही है PQ ओवर AB, हाँ, QR ओवर BC, RS ओवर CD, देखो 1.5 ओवर 3, 1.5 ओवर 3, 1.5 ओवर 3, 1.5 ओवर 3, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, गौर से देखो, 1/2 आएगा सारे, 1/2 आएगा ना, सभी इक्वल आएंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओके, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ये साइन बना के दिया है, तो ये 90 डिग्री का है, अंडरस्टूड है हमें, ये 90 डिग्री का है, और यहाँ तो टेढ़ा है, एंगल 90 के नहीं है, नजर आ गया, सो एंगल्स आर नॉट इक्वल। जो दो सिमिलर फिगर होती हैं उनमें एंगल्स आर इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है, तो ये हमें पता है, टू पॉलीगन्स ऑफ इक्वल साइड्स आर सिमिलर इफ देयर एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ये टू पॉलीगन्स ऑफ इक्वल साइड, अब ये दो पॉलीगन है, साइड्स इक्वल हैं, उसकी भी चार, ये दोनों सिमिलर हो सकती हैं अगर इनके एंगल्स इक्वल हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ये तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल और साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल साइड तो हो गई, एंगल्स इक्वल नहीं हुए इसलिए नॉट सिमिलर, ठीक है। अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2, खत्म हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, चलिए। तो बेटा अब हम कर रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर 1 and 2 डी ई इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी, मैंने इसको x ले लिया है, एंड फाइंड ए डी, मैंने इसको भी यहाँ x ले लिया है सेकेंड फिगर में, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट फिगर है, दोनों को अलग अलग सोल्व करना है हमने, तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो बताएंगे आपको। देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है बीपीटी थ्योरम, वो क्या होती थी सुनो पहले, कि आपको एक ट्रायंगल दी है मान लो एबीसी, ठीक है, अब एक लाइन है जो पास करके जा रही है एबी और एसी से चली गई, देखो फिगर वैसी है बिल्कुल है, लाइन कहाँ इंटरसेक्ट की एबी और एसी को, डी और ई पे, अब ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है बीसी के, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो होगा क्या, होगा प्रूव कर दिया था हमने बाय बीपीटी थ्योरम, क्या, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो होगा AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये प्रूव कर दिया था हमने, क्या प्रूव किया था, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये प्रूव कर दिया था बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी पढ़ी पिछली वीडियो में हमने, देखो अगर नहीं देखी वीडियो, ठीक है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीटी और उसका कन्वर्स दोनों मैंने बना के वीडियो डाली थी। तो ये हमारी थ्योरम थी कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो आप ये बोल सकते हो, प्रूव कर चुके हैं हम, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो हम बोल सकते हैं ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ओवर ई सी, ओके हो गया। अब ये बात माइंड में रखनी है, इसको अप्लाई करेंगे हम
इस क्वेश्चन में ये पूरी जो एक्सरसाइज है 6.2 इसमें बीपीटी थ्योरम को लगाएंगे हम। ओके चलो अब देखो, उसने गिवन दे दिया था डी इज पैरेलल टू बीसी, मैंने अभी भी बताया बाय बीपीटी थ्योरम, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है डी पैरेलल टू बीसी, ये लाइन सेगमेंट DE पैरेलल टू BC लाइन सेगमेंट के होगी तो लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, वही तो लिखा बाय, कैसे लिख दिया बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है चलो अब AD की वैल्यू बच्चा उन्होंने गिवन दी थी 1.5, यहां पुट कर दो AD 1.53 DB 3 पुट कर जाओ, और यहाँ AE कितना दिया है 1 पुट कर दो 1, और EC हमने निकालना है, EC निकालने का उन्होंने बोला, हमने वो X ले लिया। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो जस्ट, X इंटू 1.5 3 इंटू 1 3, 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया 1.5 टू जा 3, ओके हो गया 2 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो X की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई फर्स्ट फिगर में 2 सेंटीमीटर। ठीक है अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेम वही डी ई पैरेलल टू बी सी पहले ही बोल रखा उन्होंने, हम वही लगाएंगे बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमने ये लगा दिया एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू ए ओवर ईसी। ओके साइड्स क्या होती हैं, रेशियो इसकी सेम होती है, ठीक है पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, बीपीटी लगा दिया। अब क्या करेंगे, बस पुट करो एडी क्या है, एडी क्या है एक्स, डीबी क्या है 7.2, AE क्या है 1.8, EC क्या है 5.4। चलो धीरे धीरे करेंगे, इसको मैंने अभी यहीं पर रहने दिया है, ये ध्यान से देखो पॉइंट में है, बहुत आसान है। चलो मैंने थोरोली किया है, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगेगा, एक ही डिजिट आगे पॉइंट के, इसके नीचे भी 10 लगेगा 5.4 है ना। अब डिवाइड को चेंज किया मैंने साइन मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टे हो जाएंगे, ये ऊपर ये नीचे चला जाएगा। ठीक है 10 ऊपर चला गया, 54 नीचे 10 10 कट गया, 18 ओवर 54, 7.2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऊपर ले जाओ। ठीक है चला गया ऊपर, अब पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, अब 10 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54, 3 वन जा 3, 3 24 जा 72, और 24 ओवर 10 रह गया यहाँ पे। अब 24 ओवर 10 को क्या लिख सकते हो, 10 हटाओ पॉइंट लगाओ 4 के पीछे। ओके सो एंजॉयिंग, समझ आ गया, एंजॉय हुआ, हाँ एंजॉय करते करते करना है। ठीक है और समझ भी आ गया, तो ये हमने x की वैल्यूज निकाली बीपीटी को अप्लाई करके। ओके बीपीटी थ्योरम अच्छे से कर लेनी है, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अभी हम करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर एक साइड्स हैं एक ट्रायंगल की, उस पर ई और एफ क्या है पॉइंट हैं। ठीक है ये पॉइंट है पी क्यू पे ई, पी आर पे एफ ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब हमें ये तीन पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन के, मैं अभी आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ कि कहते स्टेट वेदर, बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो देखिए मैं फिर से आपको बताऊँ, बीपीटी में हमने पढ़ा था कि अगर हमें गिवन है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के किसी ट्रायंगल में, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, ये बीपीटी में हमने पढ़ा था। लेकिन उसका कन्वर्स क्या था, उसका कन्वर्स क्या था कि अगर आपको इफ अगर आपको गिवन हो, आपको पता लग जाए कि पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर है, गिवन है या प्रूव गिवन है या आप कैलकुलेट कर लो कि ये ऐसा आ जाए कि ये रेशो सेम है पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर आ जाए, तो दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है।
कन्वर्स में हमने उल्टा बोला था, यानी कि वहां पीपीटी में लाइन इसके पैरेलल दी हो तो आप रेशो बोल सकते हो सेम है, और कन्वर्स में रेशो अगर सेम है तो आप बोल सकते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, इसका मतलब अब हम कन्वर्स बीपीटी अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए। चलो तो कन्वर्स बीपीटी में इफ इफ पीई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये इसके पैरेलल है, ओके है, ये अप्लाई कर रहे हैं। पहले पीई ओवर ई क्यू निकालो, पीई ओवर ई क्यू तो बच्चे सारा कुछ दे रखा है हमें, ये देखो फिगर दे रखी है और साथ में हमें इन्होंने दिया है ये फर्स्ट पार्ट में इसकी लेंथ दे रखी है। पी की कितनी है मैंने यहाँ लिख दिया 3.9, ई क्यू 3, पी एफ 3.6 और एफ आर कितनी है 2.4, ठीक है। जस्ट पुट करो, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ये पी ई ओवर ई क्यू निकाल रहा हूँ, पी ओवर ई क्यू कितना है, पी 3.9 ओवर ई क्यू कितना 3, 3.9 ओवर 3 डिवाइड हो रहा है 3.9 3 के साथ है ना, दोनों डिवाइड 3.9 डिवाइड 3 तो पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये उल्टा हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, 3 13 सा 39, 39 ओवर 10 1.3 तो क्या आ गया, फील करो क्या आ गया। मैं ये निकाल रहा हूँ पहले पी ई ओवर ई क्यू निकाला मैंने और मेरा आ गया ये 1.3, क्या ये बराबर आएगा इसके दूसरे के पी एफ ओवर एफ आर, तो जब पी एफ ओवर एफ आर 3.6 ओवर 2.4 किया, ठीक है 3.6 डिवाइड 2.4, पॉइंट पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, डिवाइड हटाओ घुमा दो, ठीक है नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये 10 कट गया 3 ओवर 2 होता है 1.5, तो हमारे पास जो आया वो 1.5 आया, ये तो दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है, पी एफ एफ आर बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है, सो कहेंगे ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ओके। तो ये अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाया जहां हम पहले प्रूव करेंगे कि दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस अगर आ जाए तो ये पैरेलल है, यहां पर ये इक्वल नहीं आया 1.3 ये 1.5 आ गया तो हम कहेंगे कि ये इसके पैरेलल नहीं है। अब नेक्स्ट दोनों पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं, ठीक है दिस ओवर दिस ये अलग अलग दिया है वहां पे, ठीक है अलग अलग दिया है, रेशियोज करके देखो अगर इक्वल आ जाए तो पैरेलल बोल देना, इक्वल ना आए तो पैरेलल मना कर देना, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट में बताना, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इन द फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CD, LM इज पैरेलल टू LM इज पैरेलल टू CB, देखो LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है प्रूव दैट AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD, AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD, ऐसे ठीक है पूरी AD। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास जो ट्रायंगल्स दी हैं उनको हम तोड़ के सोचेंगे कि कौन सी थ्योरम लगेगी। देखो मैंने सिर्फ इस वाली ट्रायंगल को यहाँ देखो लिखा है और मैंने ABC ट्रायंगल सबसे पहले ले ली है और इसमें हमें उन्होंने दिया है LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB दिया है। तो बेटा BPT थ्योरम क्या बोलती है हमें, BPT थ्योरम कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं क्या, AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC, AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC बाय BPT, क्लियर हो गया। चलो अब दूसरी ले लो, ये नीचे वाली ट्रायंगल ली मैंने कौन सी ADC, ADC ट्रायंगल यहां ली, यहां उन्होंने हमें गिवन दे रखा था LN CD के, LN CD के पैरेलल है तो क्या बोल सकते हो अब आप, बाय BPT, BPT क्या बोलती है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या करेंगे, AN ओवर ND इज इक्वल टू AL ओवर LC, ठीक है यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से इन फ्रॉम 1 और 2 अगर इसकी राइट साइड बराबर है
ये फिगर हमें गिवन है, ये वाली, ठीक है। अगर राइट साइड बराबर है एल ओवर एल सी, एल ओवर एल सी अगर राइट साइड बराबर है दोनों की, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये भी लेफ्ट लेफ्ट भी तो इक्वल होगा फिर, ठीक है। दो इक्वेशंस जिनकी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी, तो लेफ्ट भी बराबर लिख दो फ्रॉम वन एंड टू, ए एम ओवर एम बी इज इक्वल टू ए एन ओवर एन डी, ठीक है, बराबर लिख दिया। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, हम यहां तक पहुंच गए, देखो कहां तक पहुंचे, ए एम ओवर एम बी इज इक्वल टू ए एन ओवर एन डी, यहां तक पहुंच गए। प्रूव लेकिन क्या करना था, ए एम ओवर ए बी, ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, मुझे नजर आ रहा है ए एम ओवर ए बी है तो एम बी को मैं ए बी कैसे बनाऊंगा, देखो अब इसका दिमाग लगाना है, एम बी को ए बी बनाना है और इधर एन डी को ए डी बनाना है, एन डी को ए डी बनाना है, तो उसको बनाने का ट्रिक है वो समझे अब आप, ये जो आ गया हमारे पास इन दोनों को उल्टा कर दो दोनों साइड, वो देखो एम बी ऊपर ए एम नीचे, एम बी ऊपर ए एम नीचे, ओके, एन डी ऊपर ए एन नीचे, ओके, दोनों तरफ हमने वन ऐड कर देना है, दोनों तरफ एडिंग वन बोथ साइड्स, जैसे ही हम दोनों तरफ वन ऐड करेंगे देखो क्या होगा, एलसीएम वन के नीचे कुछ नहीं तो वन है, ए एम वन का एलसीएम है, ए एम ही आएगा, ए एम इंटू वन, ए एम इंटू वन ए एम, ओके, और ए एन इंटू वन दिस इज ए एन, सो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, देखो एम बी प्लस ए एम, ओके, ए बी हो गया, सो ऊपर आ रहा है ए बी, नीचे आ रहा है ए एम, दूसरी तरफ एन डी ए एन, एन डी ए एन, ओके, एन डी प्लस ए एन, ओके, एन डी ए एन कितना हो गया, ए डी हो गया, तो ऊपर आ रहा है ए डी और नीचे आ रहा है ए एन, ध्यान से देखो क्या आंसर आ रहा है, आंसर है ए एम ओवर ए बी, मेरा आ रहा है ए बी ओवर ए एम इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, मेरा आ रहा है ए डी ओवर ए एन, यानी कि आंसर जो है वो यहां पर अभी उल्टा आ रहा है, तो हम दोनों तरफ उल्टा कर सकते हैं, दोनों तरफ करना, लेकिन जैसे वहां पे किया था ना दोनों तरफ उल्टा ऊपर कर दिया था, जब दिल करे आप कर सकते हो, अलाउड है, तो यहां भी हम अब एंड में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ उल्टा कर दो, तो दोनों तरफ जब उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, जो हमने प्रूव करना था, ठीक है, तो प्रूव क्या करना था, दोनों तरफ उल्टा करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, सो ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, ओके, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन से एक और बात हमारे माइंड में अब आएगी, आप माइंड में रखना कि हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर आपके पास नया क्या सीखा वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ये मान लो लाइन पैरेलल है, मान लो अगर आपके पास ये ट्रायंगल और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम बोलते हैं ना अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो भाई बीपीटी दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस बोलता हूं ना मैं, ए बी सी डी, हाँ, फिर देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम बोलते हैं दिस ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ओवर ई सी, ये बोलते हैं हम बाय बीपीटी। नई चीज क्या सीखी कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ओवर ए सी, फिर सुनो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्या ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ओवर ए सी, ठीक है, दिस ना ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ओवर ए सी, ये भी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये हमने चर्चा की, अभी इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
तो बेटा अब हम करें क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए फिगर हमें गिवन है, इन फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, प्रूव दैट बी एफ ओवर एफ इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी। इस फिगर को ध्यान से देखें, फिगर ये गिवन है। सबसे पहले उन्होंने डी ई पैरेलल टू ए सी बोला है, तो ऐसे हमें अभी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने इस फिगर को दो फिगर्स में तोड़ लिया है। इसी फिगर को देखो ध्यान से, सबसे पहले ए बी सी ले लिया मैंने, ए बी सी ले लिया, और ध्यान से देखो डी ई मैंने यहां पर ले लिया। गिवन है कि डी ई पैरेलल टू ए सी है, डी ई पैरेलल टू ए सी है। बीपीटी में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी बी सी ए एक ही बात है ना, ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए में अगर डी ई पैरेलल टू ए सी हो तो हम लिख सकते हैं। देखो डी ई पैरेलल टू ए सी हो तो हम लिख सकते हैं बी ई ओवर ई सी इज इक्वल टू बी डी ओवर डी ए, हो गया बी ई ओवर ई सी इज इक्वल टू बी डी ओवर डी ए। वाई बी पी, एक ट्रायंगल हमने यहां से ले ली, देखो कौन सी बी सी ए पैरेलल था डी ई पैरेलल टू ए सी, इसको पकड़ा, कॉन्सेप्ट बनाया और यहां तक हम पहुंच गए, बीपीटी को लिया। उसके बाद अब दूसरी ट्रायंगल में पकड़ रहा हूं, देखो बी ई ए बी ई ए बी ई ए, इसको पकड़ा, पकड़ के मैंने यहां बी ई ए लिखा, साइड में कर देना थोड़ा ना, ऐसे रफ बनाया इसलिए ताकि हमें जल्दी से समझ आ जाए। साथ में इन्होंने बोला है डी एफ पैरेलल टू ए, डी एफ जो है वो पैरेलल टू ए है, डी एफ पैरेलल टू ए है इन ट्रायंगल बी ई ए, चलो इन ट्रायंगल डी बी ई ए बी ई ए डी एफ इज पैरेलल टू ए, डी एफ इज पैरेलल टू ए। देखो बीपीटी क्या बोलती है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी डी ओवर डी ए, बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी डी ओवर डी ए। बाय बीपीटी बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी डी ओवर डी ए, ठीक है बी एफ ओवर एफ इज इक्वल टू बी डी ओवर डी ए। बाय बीपीटी ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन वन बोल दिया था, इसको इक्वेशन टू, राइट साइड दोनों की इक्वल है, बी डी ओवर डी ए बी डी ओवर डी ए बी डी ओवर डी ए। देखो दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास ना ये एक पार्ट कॉमन होता है बी डी ओवर डी ए, पिछले क्वेश्चन में भी था, ठीक है ये थोड़ा फील करना पड़ता है कि एक पार्ट जो है वो कॉमन आएगा, ऐसे ट्रिक बन गया। देखो बीडी ओवर डी ए बीडी ओवर डी ए कॉमन है ये। अब अगर दो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे और उनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट भी क्या होगी, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, तो लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू बी ई ओवर ई सी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ ई। ओके बी एफ ओवर एफ ई यही प्रूव करना था, बी एफ ओवर एफ ई ये पढ़ा इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी, इसको इधर लिख दो चाहे एक ही बात है, ठीक है क्या लिखो पहले ये लिख दो चाहे, बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी, ठीक है हो गया। राइट राइट इक्वल थी तो लेफ्ट लेफ्ट भी इक्वल होगी, बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ओवर ई सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अभी देखेंगे क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स को ट्राई करेंगे, ठीक है सिमिलर से हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।